Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, today we are going to discuss the depression of freezing point. What is mean by freezing point? The freezing point is the temperature at which the liquid converts into solid state. हम ये कह सकते हैं कि on the basis of vapor pressure, the temperature at which the vapor pressure of a liquid solvent becomes equal to solid solvent is called freezing point. मकसद ये है कि जिस वक्त freezing point temperature पहुंचता है उस वक्त solid का vapor pressure और liquid का vapor pressure आपस में equal हो जाते हैं. जिस वक्त या जिस time पे और जिस temperature पे ये दोनों equal हो जाएंगे उसका नाम होगा freezing point. अब हम पढ़ते हैं depression of freezing point, जिसको हम denote करते हैं delta Tf से. What is mean by delta Tf या depression of freezing point? So by definition, the decrease in freezing point of a solvent by the addition of a non-electrolyte, non-volatile solute is called depression of freezing point. जैसे water का freezing point generally 0°C होता है, लेकिन अगर इसमें कोई non-electrolyte और non-volatile solute mix किया जाए, solution तैयार किया जाए और उसको हम freeze करने की कोशिश करें, तो that solution will freeze below 0°C. वो 0°C से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हैज बीन डिप्रेस्ड या हैज बीन डिक्रीज्ड. अब इसका रीजन क्या है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो जो रीजन है वो ये है कि सपोज करें हमारे पास एक बीकर में एक सॉल्वेंट पड़ा हुआ है और ये एक प्योर सॉल्वेंट है. तो प्योर सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स उसी सॉल्वेंट के होंगे. इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन हाइयर होगा क्योंकि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर्स इवेपोरेट होंगे और इसका वेपर प्रेशर भी हाइयर होगा. लेकिन अगर सपोज करें हमारे पास एक सॉल्यूशन हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था और ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे. तो सरफेस के ऊपर आधे पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट के होंगे जबकि आधे सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट होंगे. फॉर एग्जांपल जिसको मैं ब्लैक बना रहा हूँ, दीज आर दी सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और जो वाइट कलर में नजर आते हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं. अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर फर्ज करो यहाँ पर 4 की इक्विवेलेंट था तो यहाँ पर ये 2 की इक्विवेलेंट है. जैसे पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स या 4 वेपर्स इवेपोरेट हो रहे थे, अब यहाँ पर 2 वेपर्स इवेपोरेट होंगे. यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा जिसकी वजह से इसका प्रेशर या वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो ये बात याद रखिए कि इसका जो प्रेशर है वो हमेशा लेसर होता है. इसका जो वेपर प्रेशर है इसको हम डिनोट करते हैं किससे? पी नॉट से. ये इसका वेपर प्रेशर है, लेकिन इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसको हम डिनोट करते हैं सिंपल पी से. और ये बात याद रखिए कि पी इज ऑलवेज लेसर देन पी नॉट. इस बात को आपने याद रखना है कि जो पी है यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है ये हमेशा पी नॉट से कम होता है, यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ये हमेशा कम होता है. तो इस वजह से जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब कन्वर्जन हो
यानी ये लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस वक्त हाईर प्रेशर पे होता है, लेकिन जब यहाँ पर ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो प्रेशर इसका कम होता है। अब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ से आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज हम एक ग्राफिकल एक एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम ग्राफिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा एक ग्राफ है, इसमें एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लेना है, फॉर एग्जांपल ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने लेना है वेपर प्रेशर हमने लेना है। तो सपोज कर लें कि ये वो प्रेशर है जिसको हम पी नॉट कहते हैं। पी नॉट इज द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो सपोज कर लें कि हम इसको यू डिनोट करते हैं, एक डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं। अब जिस तरह हाइयर टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर भी उतना ही हाइयर होगा, और जितना टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर भी उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं। सपोज ये पी नॉट है वेपर प्रेशर का, जो डॉटेड लाइन से हमने शो करना है, जबकि सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा उसको हम पी से डिनोट करेंगे और वो यकीनन लेसर होगा। तो हाइयर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हाइयर होता है। जो जो हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं, टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी साथ साथ कम होता चला जाएगा और फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर पहुंचेगा। इसके बाद ये ग्राफ जो है वो इस तरह से हो जाएगा। इसको हम ए बी और सी कर्व कहते हैं। तो ए बी सी कर्व जो है ये किसके लिए है? ए बी सी इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। ये किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। जिस वक्त प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट के बराबर हो जाए तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेज के ऊपर सॉलिड और लिक्विड इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट बी के ऊपर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एट पॉइंट बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या सॉलिड is equal to the vapor pressure of liquid state. ये solvent अब दो state में होगा, liquid में भी होगा, solid में भी होगा, और दोनों का vapor pressure आपस में equal होगा। इसी के नीचे अब हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं T1। ये जो T1 है this is called the freezing temperature of the pure solvent. अब हम नेक्स्ट एक अब हम सॉल्यूशन लेते हैं और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देख लेते हैं कि हाईर टेम्परेचर पे कितना होगा और लो टेम्परेचर पे कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है। अब ये हमारा चूंकि प्योर सॉल्वेंट की लाइन है लिहाजा अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ये पॉइंट किसके लिए होगा? ये होगा सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर की कमी के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। जिस तरह की मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो टेम्परेचर में कम कर रहा हूँ, साथ में वेपर प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब ये लाइन जो है ना इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, दोनों का शेप एक जैसा होगा और हम जानते हैं कि ये लाइन आगे चलकर
इस पॉइंट के ऊपर टच करेगी। फर्ज करो इस पॉइंट को हम डी कहते हैं और इसको हम ई कहते हैं, तो यहां पर जो कर्व है वो है ए डी ई एंड दिस इज फॉर द सॉल्यूशन। ये कर्व किसके लिए है? ये सॉल्यूशन के लिए है। इस सॉल्यूशन का कर्व ऐसे आ रहा है, तो यहां पर पहुंच कर ये सॉल्यूशन फिर इसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, दिस इज फॉर सॉलिड स्टेट। यहां सी से लेकर बी तक प्योर सॉल्वेंट था, और जब ये इस लाइन पे पहुंचा, ये लाइन शो कर रही है कि इस पॉइंट से आगे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस वाज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। अब यही चीज सॉल्यूशन में भी होगी, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की लाइन भी ऐसी जा रही है, इस पॉइंट को टच करेगी और उसके बाद इस लाइन को, जब ये इस लाइन पे जाएगी, ग्राफ हमारा नीचे स्ट्रेट जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर सॉलिड बन चुका है। अब ये एक और इक्विलिब्रियम है जो कि सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर और लिक्विड सॉल्यूशन के दरमियान में है। यहां पर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम नीचे चलते हैं और यहां पर हमें नजर आ जाएगा कि T2 विल बी कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हम ये देख सकते हैं कि T2 इज लेसर देन T1। T1 से ये दोनों क्या T1 ग्रेटर है जबकि T1 जो है वो स्मॉलर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर के लिए ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर एग्जांपल ये फ्रीज करेगा जब वो प्योर स्टेट में होगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन के स्टेट में होगा तो वाटर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फॉर एग्जांपल फ्रीज करेगा, जिस तरह की फ्रीजिंग मिक्सचर्स में हुआ करता है। तो उम्मीद है आपको इस ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो T2 और T1 के दरमियान जितना डिफरेंस है उसके बराबर होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2। आपको ये याद रखना है कि आमतौर पर हम जब डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, जैसे डेल्टा x है फॉर एग्जांपल, तो हम आमतौर पर x2 माइनस x1 लिखा करते हैं, लेकिन यहां पर सिंपलिसिटी के लिए हम T1 माइनस T2 लिखेंगे, इसलिए कि T1 हाई टेम्परेचर है जबकि T1 लेसर टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है। तो हाइयर से जब स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे तो इसका आंसर सिंपल आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसलिए अब हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो इस ग्राफ के ऊपर हमें पता होगा कि सॉल्यूशन का कितना है और प्योर सॉल्वेंट का कितना टेम्परेचर है, वो हम माइनस करेंगे तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकल आएगा। इसके बाद हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं कि जिसके अंदर हम किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन या डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। एक अननोन सॉल्यूट है जिसका फॉर एग्जांपल दूसरे मेथड से हम उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, या हम चाहते हैं कि इस तरीके से इसको मॉलिक्यूलर मास इसका फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या प्रोसीजर करते हैं? उसके लिए ये है कि हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के साथ। और मोलेलिटी किसे कहा जाता है? मोलेलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। एम जो है मोलेलिटी, ये बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
divided by weight या mass of solvent in kgs. ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है. इसको हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट, इसको हम n कहते हैं. फॉर एग्जांपल n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइडेड बाय वेट ऑफ दी सॉल्वेंट, जिसको हम कहेंगे w1 in kgs, in kilograms. अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये जानते हैं कि मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी ये बराबर होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट. m2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, w2 इज द वेट ऑफ द गिवन सॉल्यूट. तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर वन में हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, सॉरी हम इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर टू में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इससे क्या निकलेगा ये देख लीजिए. ये बराबर हो जाएगा कि जो इसकी मोलेलिटी है ये बराबर हो जाएगी किसके, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, जो कि इस n के बराबर है. ठीक है, और डिवाइडेड बाय, हम अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, w1 से. हम ये भी कर सकते हैं कि यहां लिख लें मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर w1 n kgs. ये हमारा इक्वेशन बनेगा मोलिलिटी के लिए. इसके बाद अगर फर्ज करो लेट मास जो है या वेट जो है, जो मालिक वेट ऑफ द सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इन ग्राम्स. अगर हम ये ग्राम्स में लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ग्राम्स आपको पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है. तो मोलिलिटी का फार्मूला बन जाएगा w2 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या चीज करेंगे, w1 इन ग्राम्स. अगर हम w1 को kg की बजाय ग्राम्स में ले लें तो ऊपर हम क्या करेंगे, 1000 करेंगे. ये इसका इंटर कन्वर्जन फार्मूले से होगा. तो अब हम पुट इन इक्वेशन नंबर वन, ये जो इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो वहां पर है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, वो क्या है वहां पर, वहां पर है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, सॉरी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, एम. और हम अब लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय w2 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय w1 इन ग्राम्स. तो अब हम चूंकि m2 के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं तो m2 को हम यहां ले आएंगे और डेल्टा टी एफ को यहां ले जाएंगे. तो इससे हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा m2 विल बी इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय w2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय w1 इन ग्राम्स. अब जो इक्वेशन हमने अभी डिराइव किया है वो मैं जरा क्लियर करके लिखता हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी इक्वल टू के एफ ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ
multiply by W1 in grams. ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा. तो जब हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्यूट पता होगा. हम एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी या नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मिक्स करेंगे, W1 का भी पता होगा, ये हमारे सॉल्वेंट का मास है, ये भी हम फाइंड करेंगे प्रैक्टिकली कि हमने कितने ग्राम्स फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट के डाले हैं. Kf दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है. और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हर एक सॉल्वेंट के लिए अपना अपना और अलग अलग होता है. डेल्टा टीएफ यही वो चीज है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, इसको मेजर करेंगे, ग्राफ से मेजर करेंगे, और फिर जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो हम आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और किसी भी अननोन सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो फाइंड आउट हो जाएगा. स्टूडेंट्स अब हम वो मेथड पढ़ेंगे कि जिसके जरिए से हम डेल्टा टीएफ या जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है उसको हम मेजर करते हैं, उसको कहते हैं बिटमेन्स मेथड. दिस वाज डेवलप्ड बाय बिटमेन और जो ऑपरेटर्स था उन्होंने इस्तेमाल किया था. वो किस तरह का होता है कि हम एक ट्यूब लेते हैं जिसको हम यू ट्यूब कहते हैं और इस यू ट्यूब के साइड के साथ एक आउटलेट होता है या इसका एक साइड आर्म होता है. इस साइड आर्म के जरिए से हम जो है वो क्या करते हैं, वी कैन ऐड द सॉल्यूट, हम सॉल्वेंट या सॉल्यूट इसमें ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर एक और ट्यूब होता है जिसको हम आउटर ट्यूब कहेंगे और ये जो आउटर ट्यूब है इसको हम एयर जैकेट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एयर जैकेट. ये एयर जैकेट इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो प्रोसेस है हीट लॉस का वो थोड़ा सा ग्रेजुअल हो और थोड़ा सा स्मूथ हो. एकदम से जो हमारा लिक्विड है या सॉल्यूशन है वो एकदम से वो ना हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी ठंडा ना हो जाए, स्मूथली टेम्परेचर कम करने के लिए ये एयर जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर इसको हम एक उसके ज़रिए से एक फॉर एग्जांपल स्टॉपर की मदद से हम इसको क्लोज कर देते हैं. तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, इसको हम एयर जैकेट कहेंगे. ये इसके अंदर हमने जो है फ्रीजिंग ट्यूब डाला है और इस फ्रीजिंग ट्यूब के साथ एक उसका ट्यूब जो है वो साइड आर्म के तौर पर साइड पे जा रहा है. ये एक इनलेट है इसके लिए, दिस इज अ काइंड ऑफ इनलेट जिसकी मदद से हम सॉल्वेंट भी डाल सकते हैं और सॉल्यूट भी डाल सकते हैं. इसके अंदर हमने एक थर्मामीटर लगाया है और इस थर्मामीटर को कहा जाता है बिटमेन्स थर्मामीटर. ये बिटमेन थर्मामीटर है, दिस इज कॉल्ड बिटमेन्स थर्मामीटर. ये थर्मामीटर बहुत सेंसिटिव होता है और ये 0.01 केल्विन टेम्परेचर तक, यानी इतने डिफरेंस तक ये मेजर कर सकता है. तो ये हमें बताएगा कि हमारा सॉल्वेंट किस टाइम पर फ्रीज हो चुका है. इसके बाद एक बाहर एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर हमने डाला होता है फ्रीजिंग मिक्सचर. इट कंटेन्स फ्रीजिंग मिक्सचर. ये आजकल जो थर्मोस्टेट्स वगैरह आए हुए हैं तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक टेम्परेचर कम कर सकते हैं या टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं. तो दिस विल बी कॉल्ड अ फ्रीजिंग मिक्सचर. ये बहुत ज़्यादा कूल होता है और इस मिक्सचर की मदद से यहाँ का टेम्परेचर हम कम करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड या सॉल्वेंट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज हो जाएगा. तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को डालते हैं और हम मालूम करते हैं T1, फॉर एग्जांपल T1 इन केल्विन्स, ये हम मालूम करते हैं.
उसके बाद ये सारा ऑपरेटर्स हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद फिर हम इसमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मिलाते हैं। तो जब सॉल्यूट इसमें आ जाता है तो इट टर्न्स इनटू अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में तब्दील हो जाता है। हम एक दफा फिर फ्रीजिंग मिक्सर की मदद से इसका टेम्परेचर कम करते हैं, और अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो भी फ्रीज हो जाता है। जब वो फ्रीज जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम कहते हैं T2 विच इज आल्सो मेजर्ड इन केल्विन्स, और इससे हम मालूम कर सकते हैं डेल्टा TF जो कि विच इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ये इसके बराबर हो जाता है। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन मेजर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इस वीडियो को ऑफ करने से पहले ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।